दस्तावेज के आधार पर एक शख्स ने करीब 70 लाख से अधिक कीमत के 4 मंजिल मकान पर अवैध कब्जा किया। सहयोग नगर की पीड़िता ने कहा, पुलिस भी नहीं सुन रही। महिला ने कही पुलिस मुख्यालय में जान देने की बात। जी हां, एक तरफ जहां प्रदेश के सीएम और प्रशासनिक अधिकारी शहर को भूमाफियाओं से मुक्त करने की बात करते हैं, तो इस शहर में अवैध कब्जे के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में सहयोग नगर की रहने वाली नीलोफर उर्फ किरण ने नेहरू नगर में रह रहे कैलाश ठाकुर पर आरोप लगाया है कि करीब 9 वर्ष से वह नीलोफर पर मकान पर कब्जा करके बैठा है। महिला के मुताबिक वह प्रशासनिक अधिकारियों, थानों व कई ऑफिसों में चक्कर काट काट कर थक गई है। MIG थाना क्षेत्र में उक्त मकान के मामले में अब पुलिस भी पीड़ित महिला को तरका कर भगा देती है। ऐसा महिला का पुलिस पर आरोप है कि पीड़ित महिला ने कहा है कि वह मकान उसके नाना जी के नाम पर है और कब्जाधारी के पास फर्जी दस्तावेज हैं, जबकि असली कागजात महिला के पास हैं और वह मकान उसके नाना जी करण सिंह ठाकुर के नाम पर है। पीड़ित महिला ने कहा कि यदि उसे अब न्याय नहीं मिलेगा तो वह पुलिस मुख्यालय पहुँच कर जान दे देगी। महिला के मुताबिक उसे कब्जाधारी की ओर से धमकियाँ भी मिल रही हैं, जिससे वह काफ़ी परेशान है। पीड़िता ने पुलिस के आला अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों से न्याय की गुहार लगाई है। इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। मेरे नाना का मकान है नेहरू नगर का, वो केला ठाकुर वहाँ पर रह रहा, नकली दस्तावेज बना के रह रहा था। उसकी रिपोर्ट भी अपने पास आ चुकी है, एक महीना हो गया। दस्तावेज सब दूर मैंने DIG साहब, IG साहब सब दूर पहुँचा दी। उसके बाद भी मैं थाने पर जाती, थाने पर बोलते कल आना परसों आना आपने, और कोई सुनवाई नहीं होती। और बोले हम आप क्यों परेशान कर रहे, बोले कि हमारे पास आपके नंबर है तो सही है, बोले। और दो तीन जने बोलते कोई मतलब नहीं है आने से। हम DIG साहब को करी, IG साहब को करी, CSP साहब को करी, SP साहब को करी है, MIC थाने पे करी, विजयनगर थाने पे करी, सब दूर करी। सभी दो बोले कि आप बाद में आना, बोले आपके नंबर है, अभी ये काम चल रहा है। मकान पे कब्जा किया कैलाश ठाकुर है, ये कोई नेता है क्या? ये नेतागिरी में है। कौन सी पार्टी से नेता? ये जनता, जनता पार्टी से। हाँ, तो किस तरह से धमकाता भी है क्या? बहुत धमका है इसने। मेरी मम्मी ये कहता है कि मतलब ये मेरा ही मकान है, मैंने करण सिंह ठाकुर से लिया है मकान, और नकली दस्तावेज की रिपोर्टें भी है मेरे पास टोटल। असली दस्तावेज है मकान? जी जी है मेरे पास। पुराना मकान है ये? कम से कम 50 साल पुराना मकान है। 40-50 साल कब्जा किया था इन्होंने करा 15-16 साल पहले। जब से वहीं रह रहे हैं? वहीं से रह रहे, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत ही नहीं था। हमारे पास सबूत आ गया है, सबूत के बाद भी मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारे को। कितनी कीमत का मकान होगा लगभग? 70 लाख का मकान है हमारा, 70-75 लाख का मकान। इसकी तरफ से आपको अभी तक कोई मेरे को कोई भी मिल नहीं रही। ऐसे कि हम जा रहे थाने पे भी तो बोले जाओ आपका भी कोई काम नहीं, आपके नंबर है तो सही, आप क्यों परेशान कर रही हो मुझे? आरोप पुलिस पे भी है? जी हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? नहीं, मैं इसलिए कहना चाह रही कि हमारी जल्दी से सुनवाई हो, क्योंकि उस मेरी मेरे नाना की डेट हुई थी तो जब भी मेरी मम्मी को नहीं बुलाया था इन्होंने, और मेरी मम्मी थाने पे आई थी, MIC थाने पे मम्मी को गिराया, मम्मी 15-20 दिन में डेट हो गई। साइज होगी मकान की कुछ? 10-50, 4 मंजिला। 4 मंजिला जी। अब आप क्या करेंगे? अब यदि मैं तो ये सुनवाई नहीं होगी तो मैं तो DIG ऑफिस जाऊंगी सर, और वहाँ कुछ खाकर मर जाऊंगी, क्योंकि मैं एक ही वारिस बची हूँ तो मरना तो ऐसे भी, क्योंकि वो मार डालेगा मुझे धमकी देके या मेरा कुछ कर देगा। आपके परिवार तो मैंने मेरे हस्बैंड ने और छोटे बच्चे हैं मेरे। कहाँ रहते हैं आप? हम सहयोग नगर रहते हैं सर। ये मकान कहाँ पर है? ये MIC थाने के यहाँ पे नेहरू नगर। नेहरू नगर जी, गली नंबर 9, मकान नंबर 857। आपका परिचय, पूरा नाम बोलते? मेरा नाम सही नीलोफर उर्फ किरण। मेरी मम्मी नाम से है वो करण सिंह ठाकुर, नाना के नाम से असली दस्तावेज करण सिंह ठाकुर के नाम से, मेरे और नाम की वसीयत भी है। चलो।